तो भैया बात यह है कि आप अगर आईफोन चलाने के शौकीन हैं और आपके पास पैसे ज़्यादा और अकल कम है, तो फिर एप्पल ने जो हाल ही में आईफोन 11 की सीरीज लॉन्च की है, जिसमें एप्पल ने आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स लॉन्च किए हैं, वो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि एप्पल ने आईफोन 11 सीरीज के फोन्स की शुरुआती कीमत भारत में 64,900 रुपये रखी है, जो कि 1,09,999 रुपये तक जाती है। वहीं दूसरी ओर आपके लिए एक खुशखबरी ये भी है कि एप्पल आईफोन 11 सीरीज के फोन लॉन्च करने के साथ ही कंपनी ने अब अपने पुराने आईफोन्स की कीमतों में कटौती कर दी है। जी हाँ, कंपनी ने आईफोन 7 से लेकर आईफोन XX के दामों में भी 10% से लेकर करीब 30% तक की कमी कर दी है। दामों में की गई ये कटौती के बाद ग्राहकों को अब आईफोन 20,000 रुपये तक सस्ता मिलेगा। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि कुछ दिनों में शुरू होने वाले फेस्टिव सीजन के दौरान कंपनी आईफोन्स को और भी सस्ता कर सकती है। दरअसल एप्पल चीन और भारत समेत दुनिया के कई देशों में मुश्किल दौर से गुजर रही है, और एक रिसर्च के मुताबिक ये सामने आया है कि साल 2018 में एप्पल आईफोन की सेल घटकर 17 लाख यूनिट रह गई थी, जो कि साल 2017 में 32 लाख थी। कंपनी अब अपने बिक्री के आंकड़े को फिर से बढ़ाना चाहती है, और इसके लिए ही उसने आईफोन 11 के साथ नई स्ट्रेटजी अपनाई है। ऐसे में अब आईफोन को सस्ता करके एप्पल भारत के प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में अपनी पकड़ को एक बार फिर से मजबूत करने की कोशिशों में लग गई है। एप्पल की इस स्ट्रेटजी से सैमसंग और वन प्लस को कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद की जा रही है। सालाना $2 अरब के टर्नओवर के साथ भारत एप्पल के लिए एक बड़ा बाजार है, और कंपनी के सीईओ टिम कुक भी समय समय पर इस बात पर जोर देते देखे गए हैं। इसी से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि कंपनी ने अमेरिका के तुलना में भारत के लिए अपने मार्जिन को कम कर दिया है। बहरहाल ऐसे में अगर आप भी कोई नया एप्पल आईफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर हम आपको आईफोन्स की पुरानी कीमतों और नई कीमतों के बारे में बता रहे हैं। इससे आप ये जान सकेंगे कि कौन से आईफोन की कीमत में कितनी कटौती की गई है और अब इनकी क्या कीमत है। सबसे पहले बात करते हैं आईफोन XX 64 GB वाले की, जो कि पहले 99,900 रुपये में आता था। वही फोन अब आपको 89,900 रुपये में मिलेगा। आईफोन XS 256 GB की बात करें तो ये पहले 1,14,900 रुपये में आता था, और ये फोन अब आपको अब 1,03,900 रुपये में मिलेगा। वहीं आईफोन XR 64 GB पहले 59,900 रुपये में आता था, और अब ये आपको 49,900 रुपये में मिलेगा। आईफोन XR 128 GB, जो कि पहले 64,990 रुपये में आता था, वह अब आपको 54,900 रुपये में मिलेगा। आईफोन 8 प्लस 64 GB, जो पहले 59,900 रुपये में आता था, वो आपको अब 49,900 रुपये में मिलेगा। आईफोन 8 64 GB, जो पहले 59,900 रुपये में आता था, वो आपको अब 39,900 रुपये में मिलेगा। आईफोन 7 प्लस 32 GB, जो कि पहले 49,900 रुपये में मिलता था, वो आपको अब 37,900 रुपये में मिल सकेगा। आईफोन 7 प्लस 128 GB, जो कि पहले 59,900 रुपये में आता था, वो आपको अब 42,900 रुपये में मिलेगा। आईफोन 7 32 GB, पहले 39,900 रुपये में आता था, वो आपको अब 29,900 रुपये में मिलेगा। इसी तरह से पहले 49,900 रुपये में आने वाला 128 GB वाला आईफोन 7 अब आपको 34,900 रुपये में मिलेगा। तो मेरे प्यारों, आईफोन के दीवानों और दीवानियों, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है और आपको अगर ये जिद आप लगा कर बैठे हैं कि नहीं, मुझे तो आईफोन चलाना है चलाना है, तो आप आईफोन ने जो अभी आईफोन 11 सीरीज के एप्पल के फ़ोन लॉन्च किए हैं, उन फोन्स को खरीदने के बजाय ये फ़ोन खरीद सकते हैं, जिनमें कंपनी ने कीमतों में 20,000 रुपये तक की कटौती की है। और सही राय हमारी आपको यही होगी कि आईफोन 7 आप यहाँ पर खरीद सकते हैं, जो कि 128 GB का है। वो फोन अब आप 30,000 रुपये तक की कीमत में खरीद सकते हैं, और ऐसे में
अगर आप आईफोन 11 प्रो मैक्स खरीदते हैं जो कि 1,09,999 रुपए की कीमत तक जाता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप आईफोन 7 128 GB वाला खरीदते हैं तो आप अपनी जेब में करीब 70,000 रुपए तक बचा लेते हैं, जो कि आप कहीं भी काम में ले सकते हैं, चाहे तो मुझे भी दे सकते हैं, और फिर आपकी मर्जी है। फिलहाल ये वीडियो और ये जानकारी हमने आप तक जो पहुंचाई है, पसंद आई है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर अगर आप नए हैं और इसी तरह की जानकारियां और अपडेट लगातार हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाला बेल आइकन भी जरूर दबा दें और साथ ही ऑल का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उन्हें सबसे पहले देख सकें, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारियां और अपडेट आपके लिए लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नई जानकारी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।